आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदा। दोस्तों, फिर से वही पुरानी ट्यून, वही पुरानी धुन, वही पुरानी आवाज, वही पुरानी बात, लेकिन अंदाज नया है। इसका नाम है अंदाज अपना अपना। और इस अंदाज अपना अपना के नए शो में या नए सेगमेंट में या नए सीजन में हम यानी आपके दोस्त, आपके होस्ट आरजे सैफ आपके साथ हैं, एक नई उमंग और एक नई तरंग के साथ। और अपने साथ लेकर आए हैं अपने एक दोस्त को जो के कहते हैं सुन 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 बुरा ना देख 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 बुरा ना बोल 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 बुरा ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा सुन 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 ना दे
तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें, तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिस्टिंग रेडियो डान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्यों दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि मजा तो जरूर आया होगा आपको ये गीत सुनकर। ये गीत कुछ ऐसा है जो कि जुबान है या अंदाज है हमारे एक दोस्त का, जो कि अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने ये अल्फाज कहे जो अभी आपने गीत के तौर पर सुने। माफी चाहेंगे दोस्तों, हम अभी अभी अपनी कन्वेंशन से और रेडियो उड़ान की शानदार कामयाबी के साथ उसे मनाकर, उसका जश्न मनाकर आपके साथ अभी हमें लौटे हैं, तो क्योंकि हमने आवाज का या गले का काम कुछ जरा ज्यादा ही कर लिया, इसलिए गले को कुछ तकलीफ है और गला गले की हालत में नहीं है। फिर भी आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपकी मोहब्बतों की गर्मी से गले की ठंडक को बहुत आराम है और हम आपके साथ हैं। अभी अभी हम कन्वेंशन से होकर गुजरे हैं, आप जानते हैं, और उड़ान आइडल भी आपने अभी अभी सुना है, यानी सैटरडे के दिन आपने सुना उड़ान आइडल और कल आपने सुना कन्वेंशन का हमारा वेबकास्ट। तो आप यूं समझिए कि हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा उड़ान आइडल और कैसा लगा हमारा कन्वेंशन का प्रोग्राम। कुछ फीडबैक्स हमें मिले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंकरेजिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये आपकी साहस, आपका ये उत्साह हमें बहुत कुछ देने वाला है। अब दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमारे पास कन्वेंशन थी और हमने इसको निभाया भी, और ये मौसम जो सर्दी का है ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो शादीशुदा है। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्दी के मौसम में बहुत कुछ खाने पकाने के लिए भी चाहिए होता है, उन्हें बहुत कुछ ऐसा भी चाहिए होता है जो खाने पीने के लिए अच्छा लगता है, और वो सिर्फ पत्नियां ही करती हैं। खैर, वो पति जिनकी पत्नियां उनसे दूर चली जाती हैं, मायके चली जाती हैं सर्दियों के मौसम में, उनको क्या क्या परेशानियां उठाने को मिलती हैं ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम देखते हैं कि सर्दी और सर्दी से जुड़ी हुई बातें हमसे क्या क्या चाहती हैं।
से माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले आ दिल के पास ताल मिला ओ ताल से ताल हेलो हेलो बिट्टू हाँ यार तू आया नहीं मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहाँ है तू हाँ यार बस आ गया पांच मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास हेलो हाँ यार बिट्टू पांच मिनट रह गए मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहाँ है तू बस यार बाहर ही हूँ आ रहा हूँ तू बस वेट कर आ गया मैं अब नहीं आओ निकल गई ट्रेन काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती क्योंकि नो केन नो गेन रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ दोस्तों हमारे साथ इस वक्त चंद लिसनर्स जुड़े हैं एक तो हमारे आरजे हैं जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो ये कहते हैं कि ना सुन बुरा ना बोल बुरा ना देख बुरा वो है आरजे राहुल साहब राहुल जी आपका हम खैर मकदम करते हैं अंदाज अपना के इस नए सीजन के नए एपिसोड में और नए जोशो जुनून के साथ कहां गए राहुल यहां है या नहीं है शायद नहीं है खैर हमारे साथ जुड़े हैं आरजे वरुण जी आपका खैर मकदम है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू जी हाँ दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं हूँ वरुण और हाजिर हो चुका हूँ अंदाज अपना अपना में सैफ सर के साथ एक बार फिर से और आज सैफ सर का बर्थडे है और सैफ सर के बर्थडे के साथ साथ हमारी डायरेक्टर साहिबा मीनल जी का भी बर्थडे है तो मीनल जी आपको भी हैप्पी बर्थडे थैंक यू वरुण थैंक यू सो मच For your good wishes and Safsa same to you. Thank you. Same to you. जी और राहुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी राहुल जी वरुण राहुल साहब हम आपको ढूंढ रहे थे लेकिन न जाने कहां चले गए थे आप सॉरी सर वो थोड़ी सी नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी इसी वजह से हम आपको छोड़ के चले गए थे खैर हम आपका
इस नए सीजन में स्वागत करते हैं और हम बड़े खुश हैं कि आप बड़े इंथ्यूजियाज्म के साथ हमारे साथ आए हैं और मीनल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूद हैं एक गेस्ट अपीयरेंस में आरजे वरुण। आरजे वरुण, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं तो आप बताएं कि आज हम आपकी खिदमत में क्या पेश करें। सैफ सर, वैसे मैं भूल गया था, आज मेरा भी शो है लेट्स प्ले 2020। जैसे मैं हर बार आपके शो आता हूँ और लेट्स प्ले 2020 को प्रमोट करके जाता हूँ, तो आज मेरा शो है रात को 10 बजे। सभी लिस्नर्स हमारे साथ जुड़े स्काइप पर और व्हाट्सएप पर, तो रात को 10 बजे। तो सैफ सर, मैं गाना सुनना चाहूँगा साजन पिक्चर से, एक गाना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो ये गीत बतौर खास किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप? क्या आपका बर्थडे आपको डेडिकेट करते हैं आपको और मीनल दी को। चलो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये खूबसूरत गीत और इसको एक नायाब ऐसा तोहफा जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमत तोहफे के तौर पर हम कबूल करते हैं और इस शेर के साथ कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। आइए ये गीत सुनते हैं आपकी पसंद का। प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अभी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन कंटेस्टेंट नंबर 4। तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज एनवायरमेंट।
environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं हम आपका शो में, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बर्थडे गर्ल आज की मीनल सिंघवी जी। जी, आपका खैर मकदम है और आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू साहब सर, थैंक यू सो मच एक बार फिर से। अभी अभी आप कन्वेंशन से होकर आई हैं और आप उड़ान आइडल भी आपने ऑर्गेनाइज किया, कैसा लगा ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हुए और खासतौर पर कन्वेंशन और उड़ान आइडल, ये दोनों प्रोग्राम्स एक साथ थे, तो कैसा आपको लगा? सर, टेंशन तो पहले बहुत थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि पहली बार उड़ान आइडल का कॉन्सेप्ट था हमारे सामने, और थोड़ा टफ जरूर था लेकिन काफी इंजॉय किया। मैनेजमेंट, मतलब दानिश वगैरह ने सबने काफी, एक बात मैंने नोटिस किया सर, आप भी बिगनिंग से हो, जब से हमने रेडियो स्टार्ट किया है, जो भी हमें मिला है, चाहे वो हमारे मतलब ग्रुप में हो ना हो, नॉन अननोन जो भी हो, वो वहां पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा ही हो जाता है। बेशक ये चीज मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आरजे हो या रेडियो रन की टीम में नहीं भी होंगे, लेकिन जब वो हमारे ग्रुप में आते हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो हमसे अलग कभी थे ही नहीं, और तो सबका बहुत प्यार मिलता है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है हमेशा। और लोग ये भी कोशिश करते हैं कि इंतजार करते हैं कि वो अगली बार कब कन्वेंशन हो और हम कब, बिल्कुल उनके साथ। इनफैक्ट कन्वेंशन में ही लोग पूछने लग जाते हैं कि मीनल दी अगली कन्वेंशन कहाँ पे रखोगे, कब आना है, तो पहले से ही लोगों के बीच में एक्साइटमेंट होती है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और इस बार तो खैर काफी अच्छा था, और काफी हमेशा से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार की कन्वेंशन में बहुत ज्यादा लोग थे। हमने 50 कमरे लिए लेकिन वो भी फुल हो गए, कम पड़े, इनफैक्ट हमें बाहर भी देने पड़े, तो काफी अच्छी गैदरिंग थी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी थी, और सबका प्यार भी बहुत मिला इस बार कन्वेंशन में। बेशक बेशक, और ऐसे कोई गड़बड़ जैसा कुछ वैसे कम ही होता है हमारे कन्वेंशन में, कोशिश हमारी लेकिन होती है। इस बार बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि फुल प्रूफ हमारा कन्वेंशन रहा, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ या कोई भी परेशानी या किसी भी को किसी तरह की शिकायत नहीं रही। जी बिल्कुल नहीं, और ये पहला ही ऐसा, मतलब खैर अपने मुंह से तारीफ करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन पहली ही ऐसी मतलब कन्वेंशन मैंने देखी है जहाँ पर फैमिली जैसा फीलिंग आता है। बेशक, तो बेशक। ये न सिर्फ हमारे कारण है बल्कि उन लोगों के कारण, लिसनर्स के कारण है जो इसको अटेंड करके उसे एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस बार, तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई फैमिली फंक्शन में आए हैं ऐसा लगा। न सिर्फ हमारे जो मेंबर्स कन्वेंशन में जो पार्टिसिपेट करने आते हैं वो, या जो देखने आते हैं, जो लिसनर की हैसियत से आते हैं वो, बल्कि टेक्नीशियंस भी इतना पसंद करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें टेक्नीशियन की हैसियत से ना बुलाएं तो अगली बार आप हमें इनवाइट कीजिएगा एक फ्रेंड की हैसियत से, हम वैसे ही आएंगे आपके यहां। जैसे वीडियोग्राफर ने कहा कि भले तुम मुझे अगली बार नहीं बुलाना लेकिन मुझे एज अ गेस्ट, एज अ मेंबर ही लेके चले जाना, मैं आना जरूर चाहूंगा। तो ये चीज बहुत, और इनफैक्ट यही नहीं, छोटे से छोटा मेंबर हो या बड़े से बड़ा हो, कोई भी हो, जैसे हमने जाट भवन किया था तो वहाँ के सारे मेंबर्स कितने सपोर्टिव थे, इनफैक्ट वो लोग खुद इंजॉय कर रहे थे, और मतलब हमें कहने की भी जरूरत नहीं थी, वो इतना आगे बढ़ चढ़ के हमारे साथ, मतलब हमारे काम में हमारा सपोर्ट कर रहे थे। तो ये चीज तो मैंने देखी है, वो साइटेड भी हो या नॉन साइटेड हो, कोई भी हो, जो भी रेडियो रन जुड़ता है जहाँ पर भी, वो अपने मन से लगन से काम करते हैं, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। ये शायद भगवान का ही करिश्मा है, उनका आशीर्वाद है जो सबका प्यार इस तरीके से बना रहता है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बिल्कुल बना रहेगा। आज ही देखिए बर्थडे है तो इतने, मतलब सुबह से एक काम मैंने नहीं किया, ऑफिस में बैठ के जो फोन पे लगी हूँ, सुबह से फोन पे ही लगी हूँ, बिल्कुल यही यहाँ भी हाल है।
तो बहुत अच्छा लगता है लिसनर्स का ये वाकई में प्यार, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के दिया हमें, बहुत मतलब हम शायद इस काबिल नहीं है ऐसा लगता है आजकल कभी कभी जब फील होता है, उन्होंने बहुत ऊपर बिठा दिया हम। बेशक बेशक, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगी, हम आपसे आपकी फरमाइश जरूर लेंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं अपने उस कंसेप्ट की तरफ जिसके बारे में हमने शुरू में छोटी सी बात की थी। दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे थे कि सर्दियों के मौसम में यानी सर्दियों के सीजन में जब पत्नियां अगर इत्तफाक से अपने मायके चली जाएं तो पतियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जानते हैं, क्योंकि पत्नी ही एक ऐसी सहेली या ऐसा फ्रेंड होती है जो कि उसको इस मौसम में रिक्वायर्ड फूड की फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो तरह तरह के खाने की वो पूरे पूरा करके देती है, चाहे प्यार से चाहे नाराज होकर, लेकिन वो करके जरूर देती है। लेकिन अगर किसी की पत्नी सर्दियों में मायके चले जाए और खाना उसे खुद बनाना पड़े तो जानते हैं क्या होता है? कुछ यूं होता है। Accessible Indian Currency Campaign, पैसे का आकार एक सा हो चला है, छूने से उलझन ना मिट पाएगी।
अब पैसा कैसे जोड़ोगे जब खुद ही ना जुड़ोगे। मैं सुधा पटेल, दृष्टि नागरिक गुजरात से। पैसा पूछे, पहचान कौन? आई मोहम्मद आसिफ इकबाल, ब्लाइंड सिटीजन फ्रॉम कोलकाता। पैसा पूछा, पहचान कौन? इस्तेमाल के लायक ना सही, पैसा ताकत देता है। यदि छूने से अंतर ना पहचानोगे तो इस पैसे की ताकत को कैसे अपनाओगे? हम दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा हमारे हित में कॉइन्स, नोट्स एवं डिजिटल करेंसी के बदलाव को समर्थन दीजिए। लॉगिन कीजिए tinyurl.com/AIC petition, यानी कि tinyurl.com/AICPETITION। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए tinyurl.com/facebook-AIC। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं हम आपका, और हमारे साथ हैं मीनल जी। एक बात जो अधूरी सी रह गई थी वो ये थी कि हम मीनल जी की फरमाइश लेना चाहते हैं। बताइए मीनल जी, आज हम आपकी खिदमत में क्या पेश करें? साहब सर, आप सर्दी की बात कर रहे हो तो एक गाना याद आ रहा था मुझे, अनिल कपूर का होगा आई थिंक सो, जवाई राजा मूवी का, उसमें छींक वाली कुछ ट्यून आती है, मतलब कि तेरी मेरी बातें शायद अच्छी लगती है। जी 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 जी, तो वो गाना मैं सुनना चाहूंगी। बेशक बेशक, मूड बहुत अच्छा है हम सबका, और हम यही चाहते हैं कि सबका मूड जिस तरह हमारा है उसी तरह सभी का मूड बना रहे। और देखते हैं कि इस मौसम में अगर हम बाहर निकलें तो क्या हमें छींके आएंगी, और अगर छींके आती भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोहब्बत में जब हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं तो छींके भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, क्यों? ठीक है ना जी? बिल्कुल। आइए तो हम सब मिलके छींकते, सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है कि हम सब ये गीत सुनते हैं। आइए, प्यारी प्यारी बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती हैं। ये सपनों की बारातें, ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती हैं, अब सब दिन और सब रातें मुझे लगती है। ये तेरे चंचल खाते मुझे अच्छी लगती है, तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है। ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है, अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है। Thank you.
मुझे अच्छी लगती हैं तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे अच्छी लगती है तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox & Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। लीजिए दोस्तों, तो वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 17 मिनट रह गए 9 बजने में और हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ये बताइए कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया आपके पास? नहीं सर, अभी तक तो व्हाट्सएप पर कोई फरमाइश नहीं आई, पर मेरी एक फरमाइश है अगर आप पूरी कर सके तो। अरे जरूर साहब, पहली बार आपने फरमाइश की और हम पूरी ना करें ये तो कभी हो ही नहीं सकता जी। सर एक मूवी थी पिंजर, उसका एक सॉन्ग है मार उड़ारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी रेडियो उड़ान के आरजेज कन्वेंशन के बाद अब उड़ान भरने लगे हैं, तो आइए हम भी राहुल जी के साथ उड़ारियां मारते हैं और ये गीत सुनते हैं। Oh,
में घूमते हैं यार बोलिए, धीरे चल एड़ियां ना मार बोलिए, गलियों में घूमते हैं यार बोलिए, धीरे चल एड़ियां ना मार बोलिए, टोली में उठेगी सवारी, नी मार उड़ारी, निकु के मार उड़ारी, हाय मार उड़ारी, निकु के मार उड़ारी, उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, लग गए चिड़ संग यारी, NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है, तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। నమస్కారం, ఆమె బాంగ్లా ఆవాజ్ పాయా। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను। వణకం, నాన్ తమిళరిన కురల్ వాణి। నమస్తే, మే హిందీ కీ ఆవాజ్ నీల్ హూ। హాయ్, ఐ యామ్ రిషి, వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लीजिए दोस्तों, अब हमारे पास वक्त कम रह गया है, 10 मिनट रह गए हैं, और उस 10 मिनट के बाद हम मिलेंगे आपसे एक नए शो में जिसका नाम है बोलती तस्वीरें। लेकिन इससे पहले कि तस्वीरें बोलें, थोड़ा सा हम बोल लें। हम बात कर रहे थे शादीशुदा जोड़ों की, और कभी कभी यूं होता है दोस्तों कि जब हमारी नई नई शादियां होती है ना, तो हम अपनी पत्नियों को बड़े शौक से घुमाने निकल जाते हैं बाहर, और उन पर रोब जमाने के लिए, देखो तुम्हारा पति कितना पावरफुल है, कितनी पहुंच है उसकी, और कितना ऐश कराने वाला है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं तो कुदरत कहीं ना कहीं हम में से कुछ लोगों पर हंसने लगती है, और हमारे पूरे प्रोग्राम को कुछ अलग ही रंग दे देती है। और जब वो ऐसा रंग देती है ना, तो हम लोगों को अपनी नजरों में शर्मिंदा होना पड़ता है, और कुछ यूं होता है। फैलाई के आंख निकार के, अरे काहे करत हो बात, अरे जो है तुम्हारी जात रे भाई, ओही हमारी जात। ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी, ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी, तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी। न तुम हो यार आलू, न हम है यार गोभी, तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी। न तुम हो यार आलू, न हम है यार गोभी।
सुनो मजबूरी सुनो तुमसे क्या चोरी सुनो सुनो मजबूरी सुनो तुमसे क्या चोरी सुनो एक दिन का हाल सुनो ऐ हीरा लाल क्या बताऊं हुए क्या क्या लफड़े क्या बताऊं हुए क्या क्या लफड़े साहेब का सूट पहन लेकर के अपनी धोवन हम बाइस्कोप चला देखने साहेब भी याद मिला रस्ते में और लगा देखने देखा तो सूट फतिया कस कर दो बूट गाली दे दे के पकड़ी गर्दनिया गाली दे दे के पकड़ी गर्दनिया मची वो बुमा बूम कहीं हो गई दे गुम उसी हुल्लड़ में मेरी धोबनिया उसी हुल्लड़ में मेरी धोबनिया धोबन को ले उड़ा दे क्या जाने कौन लोभी धोबन को ले उड़ा दे क्या जाने कौन लोभी तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी ना तुम हो यार आलू ना हम है यार धोबी दोस्तों ये शो ये गीत इस शो का आखिरी गीत होगा अगला प्रोग्राम बोलती तस्वीरें जिसे आप सुनेंगे इसके तुरंत बाद गुड नाइट शुभ रात्रि शब खैर सुनो मजबूरी सुनो तुमसे क्या चोरी सुनो सुनो मजबूरी सुनो तुमसे क्या चोरी सुनो अपना भी हाल सुनो ऐ बंसी लाल कोट मैंने भी पहना किसी का कोट मैंने भी पहना किसी का अरे क्या थी खबर के है उसके अंदर धरा फोटू है माँ मालिनी का अयो फोटू है माँ मालिनी का धोबन को संग लिए चेहरे पे रंग लिए होटल पहुंचा मैं बेचारा ओ खाने के बाद डाला पॉकेट में हाथ के चुका दू उसे दाम सारा देना था माल दिया फोटो निकाल ऐसा धोखा हुआ मुझको तगड़ा ऐसा धोखा हुआ मुझको तगड़ा धोबन ने देख दिए थप्पड़ दो एक और करके धमाल नोच कर सर के बाल कहीं जल्दी वो तो करके झगड़ा हाय हाय कहीं जल्दी वो तो करके झगड़ा ओ मेरी माँ अब हाल मेरा सुनकर चुप क्यों हो कुछ कहो भी अब हाल मेरा सुनकर चुप क्यों हो कुछ कहो भी तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी ना तुम हो यार आलू ना हम है यार धोबी
सुनो मजबूरी सुनो तुमसे क्या चोरी सुनो सुनो मजबूरी सुनो तुमसे क्या चोरी सुनो हम भी दिल रखते तो हैं प्यार कर सकते तो हैं होती एक धोबन मेरी हाय महबूबन मेरी एकदम थी आजादी नई नई हुई थी शादी पर मेरी जान जहां हो गई जान कहां पर मेरी जान जहां हो गई जान कहां ऐसे लगती थी गले हाय राम जैसे स्त्री चले हाय राम ओ जब से वो गई चली हाय राम मैं फिरूं गली गली हाय राम अरे तोड़ गई दिल में कांटा मार गई धोबी पाटा मिलने का यारो उसके कोई जतन करो भी मिलने का यारो उसके कोई जतन करो भी तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी ना तुम हो यार आलू ना हम है यार धोबी तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी ना तुम हो यार आलू ना हम है यार धोबी कभी